गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री चैप्टर 3। क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय जौहर? जौहर से आप क्या समझते हो? जौहर शब्द आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें औरतें आत्मदाह कर लेती हैं, यानी आग की लपटों में अपने आप को समर्पित कर देती हैं। जौहर बाज ए हिंदू प्रैक्टिस ऑफ मास सेल्फ इमोलेशन बाय वुमेन। जौहर हिंदू प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें औरतें अपने आप को आत्मदाह यानी आग के समर्पित कर देती हैं। इन विच ए वुमेन लाइक टू गेट पेरिश्ड इन फ्लेम रेदर देन टू सबमिट टू द एनिमी। अपने आप को दुश्मनों को समर्पित करने की बजाय वो अपने आप को आग की लपटों में यानी आग में अपने आप को आग की लपटों में हो जा बैठ जाती है, यानी अपने आप को आत्मदाह कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वर मेड बाय अलादीन खिलजी। व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अलादीन खिलजी ने अपने प्रशासन में क्या क्या सुधार किए? आंसर, ड्यूरिंग द खिलजी पीरियड में अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस मैनी चेंज सच एज। उसने अपने प्रशासन में बहुत सारे चेंजिंग की। नंबर फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी एट द सेंटर। ही वाज द फर्स्ट सुल्तान, वो एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने सेंटर केंद्र में सबसे पहले परमानेंट आर्मी नियुक्त की। सेकंड, ही इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया इन द आर्मी। आर्मी में भी उसने सबसे पहले दाग एंड हुलिया यानी आर्मी को क्या यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसके क्या की पोस्ट के अनुसार उनके क्या मेडल्स होने चाहिए, ये सब खिलजी पीरियड में ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड, ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन द डेसिमल सिस्टम। उसने अपनी आर्मी को ही ऑर्गेनाइज हिज आर्मी ऑन डेसिमल सिस्टम से ऑर्गेनाइज की थी उसने अपनी आर्मी। फोर, ही स्टार्टेड पेइंग द सैलरी ऑन द आर्मी इन कैश। और जो आर्मी को तनख्वाह जो पगार दी जाती थी वो कैश में दी जाती थी, सबसे पहले उसी ने ही इस चीज को स्टार्ट किया। तो ये थे सुधार जो खिलजी वंश में खिलजी पीरियड में यानी खिलजी के शासन काल में जो प्रशासन में सुधार किए गए थे। नाउ होमवर्क में ये दोनों क्वेश्चन आपको नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं।